प्रॉब्लम हो गई एक, जस्ट अभी सैंडविच खा के निकला हूँ मैं, टू गाय केम और उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की मेरी, बोलते लीगल प्रोसीजर होगा तो फिर आपको 1500 रुपए लगेंगे एंड ऑल। फाइनली हम लोग जाने वाले हैं अपने घर भोपाल, द सिटी ऑफ लेक। 14 घंटे 31 मिनट का रास्ता दिखा रहे हैं यहाँ से, तो आज का पूरा दिन राइडिंग में ही जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग चेस खेल रहे थे तो ओडी भाई को मैंने दोबारा हरा दिया चेस में, तो भाई कुछ नया गेम लेके आए चैरम्स। सो चैरम इज बेसिकली चेस और कैरम का मिश्रण, तो अभी कुछ नया ट्राई करने वाले हम लोग। जैसे जमाते हैं वैसे ही जमाना है आपको। आइडिया ये है कि तू एक पीस को मारो और दूसरा का पीसेस गिरा दो, ठीक है? सबसे पहले किसका सारे पीसेस खत्म हो जाएगा वो हार गया। सबसे बड़ा पीस सबके पीछ में से आ गया। एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, ऐसा मजाक लग रहा है क्या ये गेम? ये देखो कितना सीरियस होता है, ये देख ये होता है, ये होता है। अरे तू ये देख, ये देख, ये भूकंप भूकंप पिद्दी भूकंप लाया। इसका नाम बाहुबली है। मैं जीत गया भाई, ये वाला तो मैं जीता ना, उसने क्या मास था वो। तूने जीत। अरे वो मास होता है ना, मास ऐसे पैर घुमा के मारता है, तो वो उसने मैंने मारा तो भाई वो ऐसे एकदम से ऐसे ऐसा हो गया, जमीन हिल गई। आपको गिफ्ट मिलता है, आपको प्राइज मिलता है इसके लिए। स्टिकी नोट्स, एक पेपर, कांग्रेचुलेशंस फोटो। रखिए आप, नहीं रखिए आप, बदतमीजी क्या होती है। घर पर बुला के ये ऐसे ऐसे गेम खिला रहे हैं ये भोपाल से। के बाद दिल थोड़ा बुरा हो जाएगा। नहीं नहीं, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। अरे यार जीत लिया वो सब मत बोलो, ये जीता मैं, ये चैरम जीता, चैरम जीत के दिखा। अभी फिलहाल निकला हूँ चाय वाय पीने के लिए। यहाँ पे बारिश कंटिन्यू 24 घंटे गिरी है। यहाँ पे ऐसा लग रहा था भगवान ने शावर चालू करके छोड़ दिया, क्योंकि कंटिन्यू गिर रही है बारिश और रुकी नहीं थी। अभी फिलहाल रुकी है तो मैंने सोचा कुछ चाय नाश्ता करके आ जाते हैं। तो ये यहाँ का मस्का बन है जो सबसे पॉपुलर चीज़ है। प्रॉब्ली हम लोग कल मॉर्निंग में निकलेंगे, तो अभी आज निकला हूँ एक्सप्लोर करने, तो मैंने सोचा कि यहाँ का स्ट्रीट फूड टाइप कुछ ट्राई किया जाए। यहाँ पे अभी एक सैंडविच का स्टॉल मिला है मुझे, चीज सैंडविच ऑर्डर किए जो अपनी फेवरेट है। नूडल्स राइस तो अपना कहीं ना कहीं हो ही रहा है, लेकिन सैंडविच बहुत दिनों से नहीं खाई, मैंने सोचा सैंडविच खाते हैं और जाते हैं। अभी ब्लॉग एडिट करना बाकी है तो मुझे जाना पड़ेगा। ट्रैफिक देखो मुंबई का बहुत ज़्यादा खतरनाक ट्रैफिक रहता है, लेकिन अब आदत हो रही है मुझे मुंबई में रहने की। ऐसा लग रहा है इन फ्यूचर हुआ तो शायद अगर मुंबई बुलाएगा रुकने के लिए तो फिर आना पड़ेगा। प्रॉब्लम हो गई एक, जस्ट अभी सैंडविच खा के निकला हूँ मैं, सैंडविच खाने के बाद जस्ट मैं वॉक कर रहा था और मैं वाटर बॉटल लेने जा रहा था, तो मैंने मास्क नहीं पहना था क्योंकि जस्ट सैंडविच का स्टॉल ये रहा और मैं जस्ट वॉक करके सामने दुकान जा रहा था, एंड टू गाय केम और उन्होंने फिर वीडियो बनाई, वीडियो रिकॉर्ड की मेरी, एंड दे सेड कि आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा, तो कोई स्लिप भी नहीं दी और 500 रुपीज़ का उन्होंने रख लिया है। बोलते लीगल प्रोसीजर होगा तो फिर आपको 1500 रुपये लगेंगे एंड ऑल, 500 रुपये ज़बरदस्ती चले गए। ट्रस्ट मी यार, इट्स ठीक है, कोई बात नहीं। गाइस मैंने पुलिस में कंप्लेंट की है तो पुलिस इज हेल्पिंग मी आउट।
सो गाइस पूरा केस बताता हूँ। हुआ ये कि मैं चाय पिया, सैंडविच खाया था और उसके बाद वाटर बॉटल लेने के लिए जस्ट निकला हूँ, तो मैंने मास्क नहीं पहना था क्योंकि सामने वाटर बॉटल की शॉप थी और मैंने जस्ट खाना खाया था और उसके बाद मैं निकला था। उत्ते में वो आए दो लोग और एक इंसान का हाथ टूटा हुआ था, मतलब फ्रैक्चर था। वो बोलते हैं आधार कार्ड दो, ये वो तो पर्सनल डिटेल हो जाती, इसलिए मैंने आधार कार्ड नहीं दिया, लेकिन उन्होंने 500 का फाइन मार दिया। बोलते कि 500 का फाइन लगेगा और उन्होंने वीडियो वगैरह रिकॉर्ड की मेरी, तो फिर 500 रुपीज़ का उन्होंने फ़ाइन बनाया। यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई नहीं है इसलिए मास्क उतारा है, यही अपार्टमेंट में रुका हुआ हूँ मैं। उन्होंने बोला कि 1500 लगेगा और इस पे केस बनेगा तुम्हारे ऊपर और ऐसा करके डराया, तो उन्होंने 500 लिए। फिर मैं यहाँ पे पुलिस थी, मैं उनके पास आया जो आपने वीडियो में देखा होगा, तो उन पुलिस अंकल से मैंने बोला कि अंकल ऐसा ऐसा हो गया है, मैं पानी पीने निकला था चाय की दुकान से पानी लेने और ये आप पूछ सकते हो सारी चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि किसने किया था हमारे साथ, उसको बुला के लेके आओ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो स्पॉट पे वो बंदा नहीं था, लेकिन उसके साथ के कुछ लोग थे जो आपने वीडियो में देखा होगा। तो उन्होंने मेरा डिटेल्स ली पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने पर्सनल सारी डिटेल वगैरह मांगी, मैंने उनको सारी डिटेल दी। और जो ये लोग कर रहे थे, ये लोग गलत तरीके से वसूली कर रहे थे, तो 500 रुपीज़ एक उनके ही एक मेंबर से वापस दिलवाए। और जो इस डिपार्टमेंट के हेड हैं जो मास्क वगैरह के लिए चालान काटते हैं एंड रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, उन सर ने, उनके अधिकारी ने मेरे 500 वापस दिलवाए मुझे। और जो ये बंदा था इस पे इन्होंने कंप्लेंट वो करी है इशू, तो वो बंदा अभी तो शायद कहीं चला गया था, तो वो कल आएगा, तो कल मुझे प्रोसीजर्स के लिए बुलाया हुआ है। तो 500 मुझे वापस दे दिया एंड आई एम रियली थैंकफुल टू महाराष्ट्र पुलिस, मतलब यार मुझे तो बहुत हेल्प की है आज। टू बी फ्रैंक मेरे 500 चले गए थे, कायदे से मेरी गलती नहीं थी, मैं तो सैंडविच खा के जस्ट पानी की बॉटल लेने गया हूँ। मतलब ये समझ लो जैसे ये पिलर है, यहाँ से इतनी दूरी पे मैं गया हूँ और उतने में वो आए दो बंदे, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया पूरा और ये सारा इंसिडेंट हुआ। बोलते डराने लग गए कि आधार कार्ड से लिंक करके तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे ऐसा वगैरह, कि यहाँ पे रेड जोन है, मास्क पहनना कंपलसरी है। तो मैं तो सैंडविच खा के जस्ट निकला था, तो मेरी उसमें क्या फॉल्ट है, मुझे नहीं पता था कि इतने से एरिया के लिए, मतलब लिटरली यहाँ से यहाँ पे शॉप पे जा रहा हूँ पानी लेने, उतने में ये चीज़ हो गई। लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू महाराष्ट्र पुलिस एंड दे आर सो गुड यार। मतलब मैंने पूरी चीज़ हिंदी में उनको बताई सारी चीज़ें। जो लोगों ने एक पुलिस की इमेज ख़राब बना के रखी है ना, दे शुड एक्चुअली मीट सच पुलिसमैन, दे वर सो गुड। उनकी वजह से आज 500 मेरे पास वापस आए एंड आई एम रियली थैंकफुल टू महाराष्ट्र पुलिस, थैंक यू सो मच। सो गाइज आज है लास्ट डे मुंबई का और हम लोग निकले हैं जू चौपाटी की तरफ। अभी चाय पी है यहाँ पे और लास्ट डे एंजॉय करेंगे। अभी हम आ गए जू चौपाटी, यहाँ पे हम अलग अलग चीज़ें खाने वाले हैं और वो भी मैंने बोला था पाजी से कि कुछ मतलब तड़कता फड़कता खाना है तो यहाँ पे ले आए। अलग अलग शॉप्स दिख रही है यहाँ, काला खट्टा ये जो सबसे फेमस है वो काला खट्टा है यहाँ पे। ऐसी बहुत सारी शॉप्स है बर्फ़ के गोले की, डोसा वगैरह है, पाव भाजी एंड चाइनीज बंद हो चुका है, फाइनल बंद ख़त्म फिनिश सुबह मॉर्निंग 9 बजे। तो यहाँ पे ऐसे अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाएगी। पाव भाजी खाएंगे और ये बन रही है पाव भाजी का भाजी, हेलो, और ये रहा पाव। तो ये है चीज़ पाव भाजी और ये आ गई फ्राइड राइस बिना मिर्ची का। सो गाइस नाउ वी आर गोइंग बैक, खाना हो गया हमारा। आई लव मुंबई पुलिस, ये बात तो बिल्कुल सही लिखी है भाई, बहुत हार्ड वर्क करते हैं ये लोग और मेरा तो एक्सपीरियंस पुलिस के साथ बहुत अच्छा रहा। तो गाइस सुबह के बज गए हैं 6:52, राजा भैया हमारे साथ हैं, थैंक यू भाई, मोस्ट वेलकम। और दिल्ली आते तो मुलाकात करते हैं जल्दी। चलो ओके पाजी, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। स्वरण पाजी के घर से हम लोग निकल गए हैं और फाइनली हम लोग जाने वाले हैं अपने घर भोपाल, द सिटी ऑफ लेक्स, मेरी फेवरेट जगह। देखो कुछ भी कहो भोपाल भोपाल है भाई। अभी अपना टारगेट है कि जितना जल्दी हो सके मुंबई की जो सिटी का एरिया है
वो क्लियर करना है। तो मैं सोच रहा हूँ फ्यूलिंग भी करा ही लें, ताकि क्या है कि अब इनको टेंशन नहीं रहेगी, फिर 250-250 किलोमीटर की फुर्सत है, सीधा राइड करेंगे। एक बार चाय के लिए ज़रूर रुकेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाह रहा हूँ फ्यूलिंग करा के निकले अपन, ताकि जो घाट सेक्शन है यहाँ का वो क्लियर कर लें अपन। फुल टैंक करा लिया है, 7:04 हो गए हैं, राइड स्टार्ट करने का समय आ गया है। तो यहाँ से दिखा रहा है 788 किलोमीटर मेरा घर, सुबह के 7 बज गए, जो कि एक तरीके से भोपाल से निकलने का टाइम हुआ था, वही मुंबई से निकलने का भी टाइम हो रहा है। लगेज पैक करने में, सारी चीज़ें में टाइम लगता है थोड़ा। 14:31 का रास्ता दिखा रहा है यहाँ से, तो आज का पूरा दिन राइडिंग में ही जाएगा। लिटरली ये शहर से एक लगाव सा हो गया इतने दिनों में, और अब जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा सा और रुक जाना चाहिए था, बट ठीक है, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। ट्रैफिक यहाँ का क्लियर कर लें अपन, सबसे पहला टारगेट अपना यही है, नहीं तो अगर मुंबई के ट्रैफिक में फंस गए तो लंबा जाएंगे। और क्या है, यहाँ पे सुबह 7 बजे से लोग निकल जाते हैं अपने अपने ऑफिसेस के लिए, जो हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट है वो हम लोग बाहर जाके ही करेंगे। वैसे आपने देखा है कि ब्रेकफास्ट के लिए मैं बहुत वैसा रहता हूँ कि पहले खिला दो उसके बाद कितने ही किलोमीटर चलवा लेना, लेकिन आज त्यागना पड़ेगा भूख को, भूख तो बहुत तेज लग रही है, लेकिन क्या करें, ट्रैफिक में फंस गए तो 3 घंटा यहाँ के और पकड़ो। कल रात को चेन ल्यूबिंग कर ली थी मैंने, तो अब चेन की भी टेंशन नहीं है, अब सीधा घर पहुँचने के बाद ही वॉश करना है बाइक को। इस शहर ने बहुत सारी मेमोरीज दी है मुझे, कुछ अच्छी कुछ बुरी भी। बुरी यानी कि जैसे बाइक पे लग गई, अच्छी यानी कि जैसे पाजी से मुलाकात हो गई हमारी, JS पाजी के साथ ब्लॉगिंग कर ली, राइड कर लिया उनके साथ, तो ये सारी चीज़ें हैं, अच्छी बुरी सारी चीज़ें मिली अपन को इस शहर से। मैं इस ट्रैफिक को बहुत मिस करने वाला हूँ, इस शहर को बहुत मिस करने वाला हूँ, इस यहाँ के लोगों को बहुत मिस करने वाला हूँ, सब्सक्राइबर्स को बहुत मिस करने वाला हूँ, पाजी को मिस करने वाला हूँ, यहाँ की मेमोरीज़ को मिस करने वाला हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें फिर से दोहराई जाएगी। अभी हम सुबह सुबह निकले इसलिए इतना कम ट्रैफिक है, ये समझो हम 10 बजे निकले होते तो यहाँ पे भी हमें चलने में बहुत टाइम लगता, और मुंबई के अंदर ही हमें कम से कम 4 घंटे लगते हैं मुंबई का हाईवे क्रॉस करने में। एन अमेजिंग व्यू गाइज, लुक एट दिस, सुबह के बज गए 7:30 और ये व्यू देखने को मिल रहा है हमें, क्या ऑरेंज ऑरेंज कलर आ रहा है, मतलब कुछ ही देर में सूर्य उदय होने वाला है। आप लोगों को अगर मेरे व्लॉग्स पहले से फॉलो कर रहे हो तो पता होना चाहिए कि मैं न्यूमरोलॉजी को बहुत मानता हूँ, और मेरे कर्ता धर्ता सिर्फ सूर्य देवता हैं, मतलब ऐसे तो बहुत लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन करता धरता अगर मैं बात करूं तो 19 को बर्थडे आता है, यानी कि वन नंबर, और वन नंबर होता है सूर्य देवता का, और सूर्य देवता प्रकट होते हुए यहाँ पे, 2 मिनट बस मुझे 2 मिनट का समय दो, मैं आपके साथ वापस आता हूँ। ओम रणी सूर्य, बहुत ही बढ़िया सूर्य उदय देखने को हमें मिल रहा है यहाँ पे, और बादलों के बीच से सूर्य देवता रोशनी फैलाते हुए। सो गाइस ब्रेकफास्ट के लिए आ गए, मैकडॉनल्ड से कुछ पिक कर लेते हैं खाने के लिए,